हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है, जन्माष्टमी के अवसर पर हम पंजीरी पाक बनाते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं पंजीरी पाक बनाना। जन्माष्टमी के अवसर पर हम पंजीरी पाक बनाएंगे। ये हमने 100 ग्राम फूल मखाने लिए हैं, 1/4 किलो हमने चीनी ली है, 100 ग्राम मूँगफली, 100 ग्राम मगज और एक हमने खोपा लिया था, वो बड़ा साइज का हमने खोपा लिया है। इसको हमने मिक्सी जार में ग्रेट कर लिया है और ये 100 ग्राम हमने गोंद ली है, 100 ग्राम हमने बादाम लिए हैं। तो आइए बनाते हैं पंजीरी पाक। ये मैंने एक कढ़ाई ली है। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ये फूल मखाने को रोस्ट कर लूँगी। इसको हम रोस्ट कर लेंगे। और ये मखाने, वैसे मैं ये कालापन सा हटा देती हूँ, आप पहले से ही उतार लेना, मैंने सारों के उतार लिए हैं। और ये हमारे मखाने रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। इसी कढ़ाई में मैं ये मूंगफली को भी रोस्ट करूंगी। और ये हमारी मूंगफली भी रोस्ट हो चुकी हैं, इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं मगज को भून लेती हूँ, इनको भी रोस्ट करूंगी, मगज को भी। और ये हमारे मगज भी भूनकर तैयार हो चुके हैं और ये भी चटर पटर की आवाज आ रही है, इन्हें थोड़ा सा और भून लूंगी। ये हमारे मगज भी रोस्ट होके तैयार हो चुके हैं, इन्हें भी मैं इस बाउल के अंदर निकाल लूंगी। बादाम को भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ। और ये हमारे बादाम भी रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। और ये मैंने गोंद ली है, गोंद को भी रोस्ट करूंगी मैं। और ये हमारी गोंद भी रोस्ट होने लगी है, इसे अच्छे से मैं रोस्ट कर लूंगी। हमारी गोंद भी फूल कर रोस्ट हो चुकी है, इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। और अब ये मैं नारियल को भी रोस्ट कर लूंगी। और ये हमारा नारियल भी भुन चुका है, इसे भी मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। ये हमारी सारी चीजें रोस्ट हो चुकी हैं, तो आइए अब हम चाशनी बनाते हैं। ये मैंने चीनी ली है और इसमें मैं ये एक कटोरी और ये दो कटोरी मैंने पानी डाला है, लगभग एक गिलास के आसपास पानी है ये। और अब मैं चाशनी को पकने दूंगी और जब तक ये हमारी चाशनी पकती है और तब तक मैं इन सबको मिक्सी जार में दरदरा पीस लूंगी। सिर्फ इस मगज को छोड़ के मैं बाकी सब चीजों को मैं दरदरा पीस लूंगी। सबसे पहले मैं मूंगफली को दरदरी कर लेती हूँ। ये हमारी मूंगफली दरदरी हो चुकी हैं, आप चाहे इनका छिलका उतार सकते हैं, मैंने इनको ऐसे ही दरदरा पीस लिया है। और अब मैं बादाम को भी दरदरा पीस लूंगी। और ये मैंने बादाम को भी दरदरा पीस लिया है, आप चाहे इसको बारीक काट सकते हैं। और अब मैं इस गोंद को भी इसी प्रकार से इस गोंद को भी पीस लूंगी मैं। गोंद को भी मैंने दरदरा पीस लिया है, मैंने कोई कोई दाने साबुत भी रहने दिए हैं उसमें। और अब मैं इन मखानों को भी दरदरा पीस लूंगी। और ये हमारे मखाने भी दरदरे पीस चुके हैं, अब मैं इसमें ये मगज भी डाल दूंगी।
साथ ही ये मैं नारियल भी डाल दूंगी। और इसे मैं हाथ से अच्छे से मिक्स करूंगी। ये हो चुका है, हमारे मिक्स हो चुके हैं। और ये मैंने एक थाली ली है और थाली में मैं एक चम्मच घी डालूंगी और इस पे लगा दूंगी हाथ की मदद से। तार से मैं दूसरी थाली में भी लगा लूंगी। और ये हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। और ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, अब मैं चेक करके दिखाऊंगी। ये देखो, एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है ये। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। और हमने सारा सामान पीस कर तैयार किया है, ये चाशनी के अंदर डाल दूंगी मैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको इस थाली के अंदर डाल लूंगी। और इसे अच्छे से दबा दूंगी मैं। और इसे अच्छे से मैंने फैला दिया है। और ये मैंने एक कटोरी ली है, कटोरी पे थोड़ा सा घी लगाऊंगी और इसे अच्छे से दबा दूंगी मैं। ये हमारी हो चुकी है, अब मैं दूसरी वाली को भी तैयार कर लेती हूँ। चलो चलो जल्दी करो। इसे भी मैं अच्छे से फैला दूंगी, इसे भी मैं कटोरी की मदद से फैलाऊंगी। और ये हमारे अच्छे से मैंने फैला दिया है। दोनों थालियों को मैं ठंडा होने दूंगी, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये हमारी एक थाली की कट चुकी है और अब हम दूसरी थाली में भी कट लगा लेते हैं। और ये हमारी दोनों थालियों की कटिंग हो चुकी है, अब मैं इसके पीसेस निकालूंगी। ये हमारी अच्छे से बर्फी के पीसेस, देखो कितने बढ़िया से जमी हैं ये हमारी, ये देखो। और अब मैं इस प्लेट में सर्व करूंगी इन्हें। ये हमारी जन्माष्टमी की पंजीरी पाक बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।